यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्प सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए अभी एक रिवीजन लेक्चर आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है बाबू तो देखो जो इनकम तुम्हारे सैलरी हेड में नहीं आती हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती पीजीबीपी में नहीं आती कैपिटल गेन में नहीं आती वो तुम्हारे अदर सोर्सेज में आती है तो सर ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो अदर सोर्सेज में आती है सबसे पहले डिविडेंड डिविडेंड है वो तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा उसके बाद में विनिंग फ्रॉम लॉटरी पजल्स कार्ड गेम क्रॉसवर्ड इसका जो विनिंग होता है विनिंग का इनकम आपके अदर सोर्सेज में आता है एक और चीज समझना मैंने यहां पर बोला कि डिविडेंट आपके अदर सोर्सेज में आएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर जो शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड तुम्हारा पीजीबीपी में जाएगा अगर शेयर है, है तो डिविडेंट है वो आपका यहीं पे आएगा. उसके बाद में ये तीसरा यहां पे नहीं समझेगा आपके से है. दूसरा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जैसे आपके पास डिवेंचर है इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट भी यहां पे अदर सोर्सेज में आएगा रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एंड मशीनरी फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी अगर आपने प्लांटेड मशीनरी है फर्नीचर है किसी को लेट आउट किया तो लेट आउट किया तो उस पर्टिकुलर केस में जो रेंट है वो यहां पे टैक्सेबल होगा अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होता है देखो पीजीबीपी में कब टैक्सेबल होता है जब आपका लेट आउट करने का बिजनेस है मींस इफ योर बिजनेस इज ऑफ द लेट आउट तो वो पीजीबीपी में जाएगा अदरवाइज तुम्हारे अदर सोर्सेज में जाएगा एनी सम रिसीव अंडर द पीजीबीपी और सैलरी एक बात बताओ मैंने आपको बताया था अगर मान लो एम्प्लॉय को कुछ पैसा मिलता है टैक्सेबल सैलरी में हो जाएगा रिलेशनशिप नहीं है और अगर पैसा मिलता है इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्राम अदर सोर्सेज उसके बाद इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन द कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी एक्विजेशन ऑफ कैपिटल अगर आपकी कैपिटल वो गवर्मेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है और उसके कोई कंपनसेशन मिलता है और लेट कंपनसेन मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है वो

प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी में रेंट तभी जाता है जब आप उस हाउस के ओनर हो अगर मान लो आपने क्या किया किसी को लेट आउट किया और आगे वाले बंदे ने किसी और को लेट आउट कर दिया सबलेटिंग तो सब लेटिंग से जो भी आपका रेंट रहेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखो ओनर को जो रेंट मिलेगा वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा बट सब लेटिंग से जो भी रेंट मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसके बाद अगर आपको कोई रॉयल्टी इनकम मिलता है जैसे पेटेंट है कॉपी है ट्रेडमार्क है फ्रेंचाइजी वगैरह का अगर रॉयल्टी का इनकम मिलता है यहां पर अगर मान लो रॉयल्टी का इनकम मिलता है तो रॉयल्टी का इनकम यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा जैसे बुक लिखी बुक का

अगर एम्प्लॉय होता है तो कोई भी डायरेक्टर को मिलेगा वो जाएगा सैलरी हेड में बट वो एम्प्लॉय नहीं है और अगर उसको डायरेक्टर सेटिंग फीस बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए कुछ मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसके बाद सैलरी ऑफ एमपी एमएलसी देखो सैलरी जो एमएलसी को मिलता है ना वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है बिकॉज दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ये लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है तो उसके लिए इनको जो सैलरी मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसके बाद में ये नोट दे रखा है आप इग्नोर कर सकते हैं अपन बात करते हैं गिफ्ट की

टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी दूसरा अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से आपको कोई गिफ्ट मिलता है जैसे डेटर से क्रेडिटर से सप्लायर से उनसे कोई भी गिफ्ट मिलता है क्लाइंट से कोई गिफ्ट मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, या आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद जो अदर गिफ्ट होते हैं ना वो इनकम फ्रॉम अदर में टैक्सेबल होते हैं अब एक बात समझना ये अदर गिफ्ट के लिए कौन सी सेक्शन होती है तो यहां पे एक सेक्शन होती है 56210 करके जो कि 1 जुलाई सॉरी 1 अप्रैल 2017 से आई है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपको कोई भी एसेट या मनी गिफ्ट में मिलता है और अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो

ट्रस्ट से मिला है या ट्रस्ट को मिला है और एल का मतलब आपको लोकल ऑथोरिटी से मिला है आईटीसी अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे तो अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो तो सेक्शन 56 टू 10 लगेगा ही नहीं और जो भी आपको मिलेगा दैट इज द फुल्ली एग्जाम वो पूरा एग्जाम हो जाएगा यहां पे आपका फिफ्टी सिक्स टू नहीं लगेगा लेकिन एक बात समझना अगर मान लो आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में नहीं आते हो और अदरवाइज में आपको क्या करता है अदरवाइज में आपको मनी मिलता है अगर आपको मनी मिलता है तो मनी गिफ्ट में मिला तो एग्रीगेट मनी आपका फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा है देन इट इज इज फुल्ली टैक्सेबल व्हाट द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट मनी मनी मेरे को चार लोगों से मिला इंडिविजुअल इट इज नॉट मोर फिफ्टी थाउजेंड बट टोटल इट इज एटी थाउंडल एटी थाउंड मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो अगर आपको मनी मिलता है और एग्रीगेट मनी फिफ्टी से ज्यादा इट इज फुल्ली टैक्सेबल या फिर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी सीट आएगी पता है मूवेबल प्रॉपर्टी में यहां पे सिर्फ दस असेट आएगी कौन कौन सी शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट मीन क्रिप्टो करेंसी यहां पर एक वर्ड जोड़ा है वर्चुअल डिजिटल असेट जो इसी साल से जोड़ा है तो देखिए मैंने क्या बोला यहां पर आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी असेट आएगी बोलो शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन अगर ये असेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इन अट का फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा हो जाता है देन फेयर मार्केट वैल्यू इज फुल्ली टैक्सेबल मीन ये असट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और इसका एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा इट इज फुल्ली टैक्सेबल अगर ये लो कंसिडरेशन पे मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन लो कंसिडरेशन पे मिलती है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो आपका डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद में लास्ट पार्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिलती है और पर प्रॉपर्टी स्टेप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है देन पूरा स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा मीस इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिला और पर प्रॉपर्टी एसडीवी फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है इट इज फुल्ली टैक्सेबल बट अगर मान लो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन से मिलती है यहां लो कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा आप खरीद रहे हो कम कंसिडरेशन में आप खरीद रहे हो कम कंसिडरेशन में अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिलता है तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा होना चाहिए एंड एसडीवी इज मोर देन वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए

आईटीसी में आ जाते हो तो, तो यहां आपको मिलता है तो इस पर्टिकुलर केस में नहीं लगेगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अदरवाइज में आपको मनी मिला एग्रीगेट मनी मोर देन फिफ्टी थाउजेंड फुल्ली टैक्सेबल मूवेबल अट मिलती है बट मूवेबल सिर्फ दस असेट कवर होगी कौन कौन सी शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है डिफरेंस इज टैक्सेबल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो एग्रीकेट एफ एमवी फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है फुली टैक्सेबल अगर लो कंसिडेशन से एक्वायर करते हो तो एग्री एफ एमसडर का डिफरेंस से ज्यादा है डिफरेंस इज टैक्सेबल अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर प्रॉपर्टी देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला पर प्रॉपर्टी एसडीवी मोर देन फिफ्टी थाउजेंड तो, इट इज फुली टैक्सेबल अगर लो कंसिडरेशन एक्वायर करते हो तो पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कसिडरेशन का डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है एंड एस डी इज मोर देन वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडेशन तो उस पर्टिकुलर केस में डिफरेंस ऑफ डीवी एंड कंसिडरेशन है वो डिफरेंस तुम्हारे लिए आई एफ में टैक्सेबल हो जाएगा अब एक चीज समझना मैंने आपको बताया

मतलब क्या है आईटीसी में आई का मतलब होता है बेटा आई का मतलब होता है यहां पे कि अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई असेट किसी ट्रस्ट को दी और वो ट्रस्ट बनाया गया ट्रस्ट बनाया जो कि नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए मुकेश अंबानी ने एक ट्रस्ट बनाया जो नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए उस ट्रस्ट को मुकेश अंबानी जो भी असट देगा या पैसा देगा तो उस पर्टिकुलर ट्रस्ट के हाथ में फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा यहां पे का मतलब होता है एक बात बताओ यहां ऊपर लिखा हुआ था फ्रॉम हॉस्पिटल मिला फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिला लेकिन सर बाय हॉस्पिटल मिला तो बाय यूनिवर्सिटी मिला तो क्या उनके हाथ में फिफ्टी सिक्स टू टेंट लगेगा आंसर इज नो तो यहां पर यही लिखा है बाय एनी फंड ट्रस्ट हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अगर इनको मिलता है तो भी फिफ्टी सिक्स टू टेंट नहीं लगेगा और उसके बाद लास्ट में सी क्या होता है सी का मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कैपिटल गेन में ट्रांसफर नहीं माने जाते उसमें से यहां पे अगर बोला है पहला तो कि अगर अगर एचयूएफ एचयूएफ का पार्टीशन पार्टीशन हो गया और के के बाद मेंबर को फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा दूसरा अगर होल्डिंग ने सब्सिडी को ट्रांसफर किया सब्सिडी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया या अमल कमिशन डीमर्जर में जब भी असेट ट्रांसफर होती है तो वहां पर रिसीवर के हाथ में फिफ्टी टू टेन नहीं लगेगा आई में टैक्स नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना मैंने आपको बताया कि यहां पे देखो ना असेट सिर्फ यही कवर है इसको छोड़ के और कोई असेट मिलता है तो 56210 में नहीं जाएगा मैं शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ये तो तुम्हारे ये तो तुम्हारे मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है वो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी और मनी सिर्फ इस ये मिला तो ही आपको आईएफओएस में टैक्सेबल होगा अदरवाइज आपको कहीं पर भी आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगा लेकिन सर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा तो देखिए रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा अगर कोई इंडिविजुअल है रिलेटिव दो ही लोगों के होते हैं एक इंडिविजुअल के और एक एचयूएफ के सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल का पहला रिलेटिव होगा स्पाउस करके दूसरा इंडिविजुअल के ब्रदर और ब्रदर की स्पाउस मीन भैया और भाभी वो भी आ जाएंगे इंडिविजुअल के सिस्टर और सिस्टर के स्पाउस मीन दीदी और जीजू वो भी आ जाएंगे इंडिविजुअल के स्पाउस का ब्रदर दैट इज साला और साले की वाइफ वो भी आ जाएंगे इंडिविजुअल के स्पाउस की सिस्टर मीन्स साली और साली के हस्बैंड साडू भाई वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे इंडिविजुअल के मदर फादर एंड मदर फादर के ब्रदर और उनके स्पाउस और सिस्टर और उनके स्पाउस अगर आप मदर की बात करोगे तो मदर का ब्रदर मामा और मामी आ जाएंगे मदर की सिस्टर

मेरा बेटा मेरी बहू करके ठीक है मेरी बेटी है मेरे दामाद जी और उनके जो बच्चे हैं वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे तो इनसे अगर आपको कोई भी मिलता है तो वहां पे फिफ्टी टू टेन नहीं लगेगा और वो पूरा एग्जेम हो जाएगा एक और चीज समझना अगर एच के लिए रिलेटिव कौन होता है पता है एनी मेंबर ऑफ द एच यू का कोई भी मेंबर है वो एच के लिए रिलेटिव है तो अगर मान लो एच यूएफ को, को किसी मेंबर से गिफ्ट मिलता है तो वो पूरा एक्जेम्ट हो जाएगा वहां पे फिफ्टी टू टेन नहीं लगेगा एक और चीज समझना यहां पे अदर सोर्सेज में जब आपको एसडीबी प्रॉपर्टी मिलती है तो आप एसडीबी देखना पड़ता है लो कंसिडरेशन से खरीदते हो तो आपको देखना पड़ेगा एसडीबी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है एज वेल एज जो एसडीबी जो है वो वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट से ज्यादा है कंसिड्रेशन के तो आपको डिफरेंस टैक्सेबल होगा तो क्या एसडीबी को चैलेंज कर सकते हैं आंसर इज यस जैसा मैंने आपको कैपिटल गेन में बताया था सी में और फिफ्टी सी में क्या बताया था कि अगर आप SDV से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एओ को बोल सकते हैं एओ आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है सेम वैसा का वैसा फंडा है

उसके खुद को कोविड हुआ है या उसके फैमिली मेंबर को किसी को कोविड हुआ था और ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी पैसा मिला है ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी पैसा मिला है और उस पैसे को एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए आपने खर्च कर दिया तो जो पैसा मिला है उस नहीं नहीं लगेगा मिस वो नहीं वो टैक्सेबल है पूरा हो जाएगा लेकिन वो पैसा ट्रीटमेंट के लिए खर्च होना चाहिए जैसे फॉर एन एक्साम्पल मान लो मुझे कोविड हुआ है मेरे फैमिली मेंबर को कोविड हुआ और मेरे को लोगों से एज अ डोनेशन पैसा मिला और मैंने फाइव लैक मिला और फाइव लैक पूरा मैंने खर्च कर लिया तो उस पर जो मिला है उस पर फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं

तो एम्प्लॉयर से कितना भी पैसा मिले डेथ के बाद करके ठीक है वो पूरा एग्जेमट है फैमिली मेंबर के हाथ में तो देखो किसी की कोविड से डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल रहा है किससे एम्प्लॉयर से कितना भी पैसा मिलेगा पूरा एक्जेम्ट है इवन वन करोड़ टू करोड़ थ्री करोड़ कितना भी मिलेगा पूरा एग्जेक्ट है लेकिन बाकी लोगों से अगर मिला अर देन एम्प्लॉय से मिला तो टेन लैख तक एग्जाम यहां पर लिमिट है टेन लैक की टेन लैख तक एग्जाम के ऊपर वाला जो रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन इसमें फिर कंडीशन कंडीशन है condition यह है कि भैया एक बात समझना क्या पैसा मिलना चाहिए विद इन मंथ फ्रॉम द डेथ डेथ ऑफ दैट पर्सन पर्सन उस की हो जाती है उसके ट्वेल्व मंथ में बारह महीने के अंदर अंदर वो पैसा मिलना चाहिए एक और चीज यहां पर कंडीशन यह डाली है कि जो डेथ होनी चाहिए ना वो डेथ छह महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए जब वो कोविड पॉजिटिव हुआ था तो कोविड पॉजिटिव हुआ उसके छह महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई तभी ये एग्जीमिशन का बेनिफिट मिलेगा अदरवाइज ये एग्जिमिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसके बाद में एक सेक्शन आती है फोर्टी थ्री सी ए सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है तो ड्यूटी वैल्यू वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाता है वो कैपिटल गेन के लिए है. यहां पे ये है है ना ये बिजनेस की सेक्शन है ये कौन से हेड की सेक्शन है बिजनेस की सेक्शन है पीजीबीपी पी की सेक्शन है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डर है और वो बिल्डर क्या करता है पता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा उसका स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110 परसेंट से ज्यादा है तो स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक डीएलएफ करके बिल्डर है और डीएलएफ बिल्डर ने क्या किया कि अपना एक जो बिल्डिंग है वो बेची डीएलएफ बिल्डर है उसने अपनी एक बिल्डिंग बेची और उसका एस डी करोड़ है और उसने बेचा मान लो सिक्सटी लैख में तो यहाँ पे पीजीबीपी का इनकम निकालते टाइम जो सेल वैल्यू है वो वन करोड़ लेंगे बिल्डर के हाथ में लेकिन अगर बिल्डर उस एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो बिल्डर का केस भी क्या वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है आंसर इज यस उसका केस भी वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है अब एक और चीज समझना बेटा

एक तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आरटीजीएस आईएमपीएस भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड ये तुम्हारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आते हैं उसके बाद एक सेक्शन सेक्शन आती है है बी ये क्या बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी क्या करती है अपने शेयर इशू करती है रेजिडेंट पर्सन को और शेयर इशू करती है प्रीमियम पे प्रीमियम पे शेयर इशू करती है प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो जो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर जो डिफरेंस रहेगा ना वो डिफरेंस उस कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आई एफ ओ एस में टैक्सेबल हो जाएगा जैसे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है हमारी कंपनी क्या करती है हमारी कंपनी का एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू दस रुपया है उसकी अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे तो बीस रुपया है और हमने क्या किया उसको मान लो इशू किया कितने में पता है वन में तो यहां पे टेन रुपीज का शेयर है वो हम वन फिफ्टी रुपीज में इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे इशू हो रहा है लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वन और ट्वेंटी का जो डिफरेंस है इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंस इज वन ये वन है वो आया फर्स में टैक्सेबल हो जाएगा हमारी कंपनी के हाथ में इट विल भी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन हैंड्स ऑफ अवर कंपनी हमारी कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाए गा अब एक सेक्शन आती है फिफ्टी सिक्स टू इलेवन सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो किसी भी एंप्लॉय था और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट का कुछ टर्मिनेशन हो गया या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया और उसकी वजह से उसको कोई कंपनसेशन मिला जो एम्प्लॉय से नहीं मिल रहा है तो वो कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर एम्प्लॉय से कोई कंपनसेशन मिलता है जैसे मान लो आपने कोई जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ते टाइम आपको एम्प्लॉय से कोई कंपनसेशन मिलता है तो तो टैक्सेबल होता है सैलरी एड में बट एम्प्लॉयर को छोड़ के किसी और से कंपनसेशन मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा जैसे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है जैसे मान लो एक बंदा है वो काम करता है किसी कंपनी में ट्विटर में अब ट्विटर में काम करता है इंडिया में और उसको लगा कि यार ट्विटर वाले कभी भी उसको भगा सकते हैं उसने इंश्योरेंस करा लिया उसने इंश्योरेंस करा लिया कि मेरे का जॉब का इंश्योरेंस दे दो मान लो जॉब का इंश्योरेंस मिल गया उसको उसको भगा दिया अब इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसा दिया वो टैक्सेबल होगा आंसर इज यस कहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंट एंड डीम डिविडेंट अब एक बात समझना डिविडेंट और डीम डिविडेंट तो डिविडेंड जो मिलता है आपको भले वो डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है या फॉरेन कंपनी से मिलता है अब आप मुझे बोलोगे डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी क्या होता है देखो इंडियन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलते हैं इंडिया की जितनी भी कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है वो सब डोमेस्टिक कंपनी है फॉरन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरन कंपनी ने इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे इंतजाम कर रखे है मीस दे मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट इन इंडिया फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मीस उनको एजीएम इंडिया में करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा ये सब चीजें अगर करती है फॉरेन कंपनी तो वो भी तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अब एक बात समझना

डिविडेंड नहीं देती है असेट दे देती है तो जो आपको असेट मिली ना ए फोर असेट जो आपको असेट मिली वो असेट आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट जैसे कंपनी है उसका रिजर्वेंट सरप्लस टेन लैक है उन्होंने बांट दी 15 की तो डीम कितना माना जाएगा सिर्फ टेन लैक माना जाएगा डीम डिविडेंट है वो कितना माना जाएगा सिर्फ टेन लैख तक माना जाएगा जितना कंपनी का अक्यूमलेटेड प्रॉफिट है उस हद तक वो तुम्हारा डीम डिविड माना जाएगा तो ए फोर असेट अगर कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को असट बांटती है तो असेट डीम डिविडेंड मानी जाएगी टू द एक्सटेंड एक्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट और यहाँ पे असेट की वैल्यू बुक वैल्यू नहीं देखनी है फेयर मार्केट वैल्यू का आज असेट बांटी है तो आज उसकी वैल्यू क्या है असेट की वो लेनी है डीम डिविडेंट पर्पस के लिए उसके बाद टू बी क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी क्या करती है पता है अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट डिबेंचर दे देती है बॉन्ड्स दे देती है डिबेंचर स्टॉक दे देती है डिपोजिट सर्टिफिकेट दे देती है करके ठीक है तो डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक सर्टिफिकेट दे देती है तो वो डीम डिविडेंट माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर क्या होता है पता है कि कोई भी कंपनी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है देखो अगर नॉर्मल शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर दे देती है तो यह डीम डिविडेंट माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्क्यूबलेट प्रोफिट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट टू ट्वेंटी टू सी क्या बोलता है कि अगर मान लो सी का मतलब क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी अगर कोई कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है मीन बंद हो जाती है और वो कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को असेट बांटती है अपने शेयर होल्डर को असेट है पैसा बांटती है तो वो पैसा या असेट है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्क्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट एंड टू ट्वेंटी टू डी क्या बोलता है कि कंपनी बहुत बार डिक्रीज करती है शेयर कैपिटल में और शेयर कैपिटल में डिक्रीज करके शेयर होल्डर को कुछ पैसा दे देती है असेट दे देती है तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट ये कैसे होता है जैसे मान लो एक शेयर का फेस वैल्यू टेन रुपीज है और कंपनी क्या करती है उस फेस वैल्यू को कम करके एट रुपीज पे ला लेती है और टू रुपीज शेयर होल्डर को रीपे कर देती है टू रुपीस है वो शेयर होल्डर को रिपे कर देती है तो वो टू रुपीस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज़ और नॉट अब एक बात समझना 222 ए बी सी डी और 222 ई जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ फर्क है पहला डिफरेंस तो ये है कि 222 ट्वेंटी टू ए है ना वो ऑल कंपनीज पे लगता था लेकिन 222 ट्वेंटी टू ई जो अभी पढ़ेंगे वो सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी पे लगता है इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी पे लगता है उसके बाद 222 ट्वेंटी टू एबीसीडी में हर जगह मैंने क्या बोला था कि जो अट मिलती है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट मीन्यूमलेटेड प्रॉफिट में आपने जितना कैपिटलाइज कर दिया ना वो भी लेना है कैपिटलाइज करने का मतलब जो आपने बोनस शेयर इशू किया मान लो तो वो आपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया वो भी आपको लेना है करके अक्यूमेलेटेड प्रॉफिट में लेकिन

मिस ये क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को जिसके पास टेन परसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर वाला है और इसको अगर लोन और एडवांस देती है इसको अगर लोन और एडवांस देती है तो इस शेयर होल्डर के हाथ में वो लोन डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तो देखो पहली चीज तो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है जिस शेयर होल्डर के पास टेन परसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो वो लोन और एडवांस वो डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्क्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर ये कंपनी क्या करती है शेयर होल्डर को लोन और एडवांस नहीं देती ये कंपनी दे है इस कंसर्न के 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग पीएसआर है मींस इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उस पर्टिकुलर केस में भी डीम डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट अक्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक और चीज समझना अगर ये क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या करती है लोन दे देती है किसी एनी अदर पर्सन को और ये शेयर होल्डर के बिहार या बेनिफिट पे देती है तो उस पर्टिकुलर केस में भी ये शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा तो देखो आपने क्या पढ़ा अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है शेयर होल्डर के पास टेन परसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसको अगर लोन और एडवांस देती है डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्क्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर लोन दे रही है किसी कंसर्न को और उस कंसर्न में उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा या फिर लोन दे रही है किसी एनी अदर पर्सन को जैसे मान लो ड्राइवर को वाइफ को शेयर होल्डर के और वो किस पे दे रही है पता है उसके बिहार पे उसके बेनिफिट के लिए दे रही है तो भी वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंड एक्क्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक और चीज समझना यहाँ पे सर एक बात बताओ वो कंपनी जो है वो कंपनी अगर मान लो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है okay

ट्रेड एडवांस है ना वो तो बिजनेस के लिए जरूरी था तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पर टू ट्वेंटी टू ई में डीम डिविडेंट नहीं माना जाएगा एक और चीज समझना

लैंडिंग का है और ऑफ बिजनेस में दिया है और मार्केट रेट पे दिया है तो वहां ई e नहीं लगेगा एक और चीज समझना अगर मान लो किसी शेयर होल्डर को पहले जो है वो मान लो लोन दिया था और वो डीम डिविडेंड माना जा चुका है अब क्या होता है कंपनी सच में डिविडेंड देती है

22c जो था क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी एंड 222D जो था दैट इज डिक्रीज इन शेयर कैपिटल वो अगर मान लो कभी भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर के केस में हो रहा है तो वहां पे आपका डिविडेंड डीप डिविडेंड नहीं माना जाएगा अब एक और चीज समझना एक सेक्शन होती है 57 57 ये बोलती है कि जब आपकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है ना तो उसके सामने कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे अगर इनकम अदर में टैक्सेबल होती है तो उसके सामने खर्चे कौन-कौन से अलग तो होगा इन द शेयर और यूटीआई म्यूचुअल फंड देखो मेरे को अगर डिविडेंड मिला तो डिविडेंड के सामने खर्चा एक ही अलग होगा जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट और वो लोन किस लिए लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए वही अलग होगा और वो भी कितना पता है डिविडेंड इनकम या यूनिट यू, या जो यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनकम है उसके ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैंने क्या किया किसी बैंक से लोन लिया एच बैंक से और उसका इंटरेस्ट थर्टी थाउजेंड बैंक से लोन लिया और उसका इंटरेस्ट है वो 30, है और मैंने उसको इन्वेस्ट किया डिविडेंड मुझे मिला वन लैक का तो वन लैख के सामने क्या पूरा थर्टी थाउजेंड अलाउ होगा आंसर इज नो ट्वेंटी थाउजेंड अलाउ होगा बिकॉज इट इज अपू ट्वेंटी परसेंट ऑफ दैट इनकम उसके बाद में एक और चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जो फैमिली पेंशन होती है ना फैमिली पेंशन के सामने आपको एक डिडक्शन मिलता है फैमिली पेंशन किसको बोलते हैं किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके घर वालों को पेंशन मिल रही है दैट इज फैमिली पेंशन तो फैमिली पेंशन जो मिलेगा ना उसके सामने एक डिडक्शन मिलता है वन थर्ड ऑफ द फैमिली पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड पर एनम विच इज लोअर जैसे मान लो किसी को फैमिली पेंशन मिली सिक्सटी थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड का वन थर्ड हुआ ट्वेंटी थाउजेंड और फिफ्टीन थाउजेंड लोअर कम्स टू फिफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड का डिडक्शन मिल जाएगा और फोर्टी फाइव थाउजेंड का फैमिली पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन इसमें एक चीज समझना अपने जो सैनिक होते हैं जो आर्म फोर्सेज के एम्प्लॉय है जो सैनिक होते हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के एम्प्लॉय है वो सेना अपने लिए लड़ते हैं सीमा पे और सीमा पे लड़ रहे हैं और वहां पर अगर वो शहीद हो जाते हैं अगर कि ठीक है

हो जाएगी उसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और एक चीज ध्यान रखना अगर आपको लेट कंपनसेशन मिलता है पे तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा वो इंटरेस्ट आपके लिए कहां टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और वहां पर फिफ्टी परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अब कुछ एक्सपेंसिस ऐसे जो अलाउ नहीं होते एक तो आप ध्यान रखना पर्सनल खर्चे आपके अलाउ नहीं होते उसके बाद में अगर इंडिया के बाहर किसी को आपने सैलरी दी है या इंटरेस्ट पे किया उसका टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो वो अलाउ नहीं होगा किसी को दस हजार से ज्यादा का कैश में पेमेंट करोगे तो वो अलाउ नहीं होगा करके ठीक है अगर इंडिया में किसी को पेमेंट किया और उस पर नहीं काटा तो आपका थर्टी खर्चा डिस हो जाएगा ये जैसा अपन ने पढ़ा था पीजीपीपी में सेम वैसा का वैसा करके ठीक है एज वेल एज कैजुअल इनकम जो होती है ना विनिंग्स वगैरह उसके सामने जो भी आप खर्चे करोगे वो कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता कैजुअल इनकम के सामने आप कोई भी खर्चे करोगे वो आपको अलाउ नहीं होते

मॉक टेस्ट पेपर भी आ गए आई के आर भी आ गई है तो भैया आप आर टी पी करिए आर के साथ साथ में जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आप सॉल्व करिए और भैया उसके बाद में ढंग से आप एग्जाम दीजिए ढंग से एग्जाम मतलब सच में ढंग से एग्जाम दीजिए अब आपके पास जितना टाइम है उसको पूरा लगा लीजिए करके ठीक है आपको लगना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है हंड्रेड परसेंट दे दीजिए बस आपको पढ़ने के बाद एग्जाम जब देने जाओ ना एग्जाम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने आप को ये बोल पाओगे बस यार मैं इतना ही कर सकता था इससे ज़्यादा मेरे से ना हो पाए जिस दिन ये वाले मोमेंट पे पहुंच गए ये वाला अचीव कर लिया करके निर्भना अचीव हो गया कि बस इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता था उतना आप कर लीजिए आपके लिए सफिशियंट है ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स टू डे फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर